अस्तु देखो इधर देखो आपकी थाली लगा दी है मैंने हुँ? ठीक है खाना खा के दवाई लेनी है भूलना मत हाँ नहीं भूलूंगा चलो मैं निकल रही हूँ हाँ ये ले ले लाओ लाओ अरे बहुत भारी है मैं आऊँ क्या तेरे साथ बिल्कुल भारी नहीं है चलो जय माता जी हाँ अरे शांत सब ठीक होगा लक्ष्मी बहन ये लोग रो क्यों रहे कुछ हुआ क्या जिसका घर अचानक उसके हाथ से चले जाने वाला हो वो लोग रोएगा नहीं तो और क्या करेगा हमको क्या पता था हमारे साथ ऐसा हो जाएगा अम्मा घर काम के अलावा कुछ काम नहीं आता कुछ काम कर पाते तो घर वालों का मदद हो जाता तुम जाओ अक्का तुमको देर हो जाएगा हम देखता सब ठीक हो जाएगा कुछ ठीक नहीं होगा अम्मा कैसी है तू बेटा मैं ठीक हूँ बटुकना जी मैं आपको बटुकना जी बुलाऊं चलेगा ना चलेगा आप कैसे हैं आप तो भूल जाके मुझे भूल गए ना ना कोई मैसेज करते हैं ना कॉल मैं ठीक हूँ बेटा लेकिन तेरी आवाज से लग रहा है कि तू ठीक नहीं है क्या हुआ आपको कैसे पता चल जाता है अब इतने दिनों तक साथ रहे हैं इतना तो समझ ही सकता हूँ ना क्या हुआ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मान लीजिए आपके पास कोई चीज हो जो आपको बेहद पसंद हो लेकिन किसी वजह से आपको उसको छोड़ने का डिसीजन लेना पड़ जाए और फिर आपकी उस चीज को कोई और रखना चाहे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों होती है आप तो उस चीज को छोड़ चुके हैं ना तो फिर भी इतनी तकलीफ क्यों होती है हो सकता है बेटा कि जो चीज तुम्हें इतनी पसंद है जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए जरूरी है वो तुम्हें शायद अभी पता चला बटुकनाथ जी मैं इंटर्नशिप के लिए बाहर जा रही हूं सबको छोड़ के मैं ठीक कर रही हूं ना बेटा तुम ठीक कर रही हो या गलत कर रही हो ये तो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं बता सकता हाँ अगर तुम्हें खुशी हो रही है तो तुम ठीक कर रही हो और अगर नहीं हो रही हो तो गलत बेटा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करूं मुझे कहीं जरूरी बाहर जाना है जी अभी अभी याद आया हाँ मैं करता हूँ जी ठीक है और सुन अच्छा लगा तूने फोन किया बाय काकू अपना टिफिन घर में भूल गई है तो आप मुझे वो दुकान का एड्रेस बता देंगे जहाँ वो अपने अचार का काउंटर लगाती है तो मैं उसे दे दूँ काम शुरू किया तुम अम्मा खूब खूब आभार ये तुम्हारा आचार थोड़ा टेस्ट कर सकता हाँ लेना थोड़ा बहुत अच्छा बना अम्मा एकदम स्पेशल अच्छा लगा हाँ कैसा बनाया अम्मा मतलब इसमें क्या क्या डाला देख बहुत आसान है तुम लोग जो नारियल का तेल बना के अचार बनाते हो ना वो नहीं डालने का स्वाद अलग सरसों के तेल से आएगा तुम लोगों के लिए हम लोगों को तो आदत पड़ चुकी है तो देख मिर्ची
सरसों कुटी हुई, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा कलर के लिए। पर हाँ लक्ष्मी बहन, ये बात हसू को मत बताना, हाँ उनको पता नहीं चलनी चाहिए। अक्का को अम डिब्बा दे के आएगा। तुम्हारा तबीयत खराब, तुम आराम करो। अब मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब दो, अम को दो ना, को दो ना। ढक्कन बंद करो, क्या अचार? थैंक यू अम्मा। चलो अब मैं चलता। हाँ बनाना घर वालों के लिए, चलो। अक्का ये तुम्हारा कहने का डिब्बा। अरे मैं तो भूल गई थी घर पर। तुम्हारा हस्बैंड तुमको ये डिब्बा देने आने वाला था। फिर हम उसको रोका, वरना सब गड़बड़ हो जाता। ये लो। शकिया आभार, खूब खूब आभार। बड़ी दुकान है, मतलब पूरी वो फॉरेन स्टाइल की, सब ऐसे रखा रखा है वहाँ, और एयर कंडीशन है वहाँ, एयर कंडीशन। जितनी भी देर मैं आज बैठी रही ना वहाँ, ठंडी ठंडी हवा खाती रही एसी की। बहुत मजा आया हसू, बहुत मजा आया। अरे अरे आते तुम लोग, बदमाश बच्चा लोग, भागो यहाँ से। करता है दिखाओ ये क्या है। बहुत हो गया अब झूठ बोलना आपका। अब आप वैसा ही करेंगी जैसा मैं कहूंगा कहने के लिए। क्या करने का है? आज तो अच्छी बिक्री हो गई मेरी। बच्चों को खाना खिलाते या टैक्स का पैसा भरते अम्मा? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना पैसा होता तो थोड़ी ना ये हालत होती। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? हमारा मदद सिर्फ पैसा कर सकता है, जो आपके पास भी नहीं है अम्मा। ऐसा नहीं, गोल गोल काटने का। यहाँ से? बाजी के लिए गोल। अरे गोल। हसू ये क्या कर रहे हैं आप? मैं करती हूँ ना, आप जाके आराम करो। क्यों? भुज में जब मैं दिन भर काम करके घर वापस लौटता था थका हारा, तो तू भी तो यही करती थी मेरे लिए। सब्जी काटती थी, खाना बनाती थी। तू थक गई होगी ना। अरे दिन भर धूप में, गर्मी में खड़े खड़े। गर्मी ना, मैंने बताया तो था वो दुकान पे पूरा कितना एयर कंडीशनर है, ठंडी हवा चलती है तो। और हाँ जहां तक थकान का सवाल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है वहां, आराम से बैठी रहती हूँ। जब कोई ग्राहक आए तब अच्छा है, बेच के मतलब आराम ही आराम है हसू। कितना और झूठ बोलेगी काकू? देख लिया मैंने तेरा एयर कंडीशनर और तेरे दो पैरों वाली कुर्सी भी। मैं चाहता करो करो तुम करो। लक्ष्मी के पीछे पीछे आया था मैं आज। हाँ?
वो बस वो आज ऐसा हुआ कि मैं जब गई वहां अचार की बर्नियां बेचने, तो वो दुकानदार ने कहा कि आज रहने दो, वो क्या है ना जहाँ हम वो बेचते हैं ना अचार, वो थोड़ा गंदा हो गया है, तो मरम्मत की भी ज़रूरत है। तो फिर मैंने सोचा कि अभी अचार बना ही लिया है तो वो सड़क के किनारे ठेला थोड़ा लगा देती हूँ, तो सजा दी अचार की बर्नियां, तो फट 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 सब बिक गया। और हाँ, अच्छा है ना, मैं खड़े होकर काम कर रही थी, वो योगा कब का छूट गया है, तो वर्जिश हो गया तेरा का। हाँ, ये नकली किस्से कहानी ना किसी और को सुनाना। क्या हुआ? थैंक यू काकू, मुझे अपनी काकू पे बहुत गर्व है। वो अचार मिर्ची का, गुजराती स्टाइल का अचार सबको पसंद आ रहा है, यहाँ अच्छी बिक्री हो रही है, अब अच्छे पैसे मिलने लगेंगे हसू, और आपका इलाज अच्छी तरह से हो पाएगा, और फिर हम चले जाएंगे अपने घर पूछ वापस। मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगा, तो चिंता मत कर। बैठी रहे यहां पे, यहां से हिलना नहीं। खान साहब तुम्हारे लिए खाना बना के ला रहे। खाने लायक? ये तो तू खा के बताना। जल्दी, बहुत भूख लगी है। सिखाया किसने? झूठ। नहीं नहीं, सब कुछ, तेल मसाला नमक। नमक ठीक है? बिल्कुल बराबर। इट्स ओके रोहन, तुम यहां सो सकते हो। अचार थोड़ा टेस्ट कर सकता? कैसा बनाया अम्मा? थैंक यू अम्मा, अब मैं चलता। बनी ली, बनी ली। आप ले लो, ले लो मिर्ची का अचार, ले लो। थैंक यू।
काकू दरवाजा खोलो। मेरे घूर रहा है मुझे। कौन है अंदर? कौन वो? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।